एवरीवन, मैं मनोज कुमार तिवारी, मैं फंक्शन का नेक्स्ट लेक्चर लेके आपके सामने मौजूद हूँ। मैं इस वीडियो में ग्राफ शुरू करने जा रहा हूँ। आने वाला 10 लेक्चर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आने वाला 10 लेक्चर जो होगा वो फंक्शन और कैलकुलस के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो भी बंदा या जो भी बंदी अच्छे से ये 10 लेक्चर मेरे साथ मेहनत कर लेगा, उसके लिए कैलकुलस बहुत इंपॉर्टेंट होगा। क्योंकि ये 10 लेक्चर में आप लोगों को हम जितना भी फंक्शन है, जितना भी वैरायटीज ऑफ फंक्शन है, उन सब के बारे में डील करेंगे। जैसे लॉगरिथमिक फंक्शन, आप लोगों बहुत लोगों को प्रॉब्लम होता है लॉग टाइप के प्रॉब्लम को हैंडल करने में। तो यहाँ पे आप लॉगरिथमिक फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, पॉलिनोमियल फंक्शन, इरेशनल फंक्शन, रैशनल फंक्शन, फिर आपका ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, सारे फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे, सारे फंक्शन का डेफिनेशन के बारे में पढ़ेंगे, सारे फंक्शन के ग्राफ के बारे में पढ़ेंगे, सारे फंक्शन के प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ेंगे, और सारे फंक्शन से रिलेटेड आप प्रॉब्लम भी बनाएंगे। जो कि कैलकुलस में मैक्सिमम प्रॉब्लम जो होगा वो इसी पे बेस्ड होगा। इसी पे मैक्सिमम क्या है, इनफैक्ट सभी प्रॉब्लम इसी पे बेस्ड होगा। तो ये 10 लेक्चर आपको अच्छे से मेहनत करना है। हम फिर से कह रहे हैं, ये 10 लेक्चर आपको अच्छे से मेहनत करना है। जो भी इस 10 लेक्चर अच्छे से मेहनत कर लेगा उसको कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। और हम कोशिश करेंगे कि ये सारा टॉपिक एकदम आसान तरीके से पढ़ाएं कि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। बुक में अलग तरीके से दिया हुआ, हम पहले ही क्लास में आपको बोले थे फंक्शन में, हम यहाँ आपको आपको अपने तरीके से पढ़ाएंगे कि आपको कहीं कोई कन्फ्यूज़न नहीं है। बस आप फॉलो करते जाएं, और अगर आपको कोई दिक्कत है, कहीं पे भी थोड़ा भी कंफ्यूजन है, तो आप सीधा मेरे से पूछें। सीधा आप लोगों के पास मेरा नंबर है, मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आप सीधा मेरे से पूछें। लेकिन ये 10 क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप अच्छे से करें। तो यहाँ पे हम शुरू करने जा रहे हैं ग्राफ। ग्राफ का मतलब यहाँ से लेके 10 लेक्चर तक ग्राफ ही चलेगा सारे फंक्शन का। इसमें आप हर वेराइटीज ऑफ ग्राफ आप देखेंगे, जिसमें हम पहले आपको कुछ फंक्शन का ग्राफ दिखाएंगे, फिर ट्रांसफॉर्मेशन में ग्राफ दिखाएंगे। मेनली फंक्शन में आपको 7 से 8 ग्राफ अच्छे से करना है। अगर आप 7 से 8 ग्राफ कर लेते हैं अच्छे से, उसके उस पर बेस्ड कुछ ट्रांसफॉर्मेशन आप कर लेते हैं, तो मैक्सिमम ग्राफ को आप प्लॉट कर लेंगे। लेकिन शुरुआत का 7 से 8 बेसिक ग्राफ जिसको हम कह सकते हैं, वो बेसिक ग्राफ आपको अच्छे से करना है, उसका प्रॉपर्टीज़ अच्छे से करना है। तो यहाँ पे हम शुरू करने जा रहे हैं ग्राफ। तो देखिए ग्राफ, ग्राफ क्या होता है? हम कैलकुलस में किसी भी ग्राफ को जब हम प्लॉट करते हैं तो वो एक्स वाई प्लेन में प्लॉट करते हैं। एक्स वाई प्लेन में अगर हम प्लॉट करेंगे तो ये आपका वाई एक्सिस हो गया, ये एक्स एक्सिस हो गया, तो ये आपका एक्स वाई प्लेन हो गया। तो किसी भी ग्राफ को प्लॉट करने के लिए हमको इन्फाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट चाहिए। आप जानते हैं कि ग्राफ जो होता है, किसी भी ग्राफ पे इन्फाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स होता है, और हर पॉइंट पे आपका क्या होता है, एक्स और वाई। मतलब ग्राफ को प्लॉट करने के लिए हमको इन्फाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट चाहिए। अब कुछ पॉइंट है, जैसे अगर आपका इक्वेशन लीनियर इक्वेशन है, अगर आपका लीनियर इक्वेशन है तो उसका ग्राफ हमेशा स्ट्रेट लाइन होगा, हमेशा स्ट्रेट लाइन होगा। जैसे आपके पास है 2x + 3y + 6 = 0, गौर करें, ये एक लीनियर इक्वेशन है। x = 5, ये आप देख सकते हैं एक लीनियर इक्वेशन है। फिर y = 7, ये भी आपका एक लीनियर इक्वेशन है। तो जितना भी लीनियर इक्वेशन है, हर एक लीनियर इक्वेशन का जो ग्राफ होता है वो एक स्ट्रेट लाइन होगा, चाहे वो x एक्सिस के पैरेलल हो, चाहे वो y एक्सिस के पैरेलल हो, या फिर वो x एक्सिस और y एक्सिस के साथ इंक्लाइंड हो। जैसे अगर आपके पास लीनियर इक्वेशन है तो लीनियर इक्वेशन का ग्राफ हम कैसे प्लॉट करते हैं, जैसे आपके पास मानिए यही इक्वेशन है, तो इस केस में आप क्या करेंगे, 2x + 3y + 6 = 0 है। तो एक बार आप x के जगह पे 0 लें, x के जगह पे 0 लेंगे तो आप खुद देखें यहाँ पे y का वैल्यू क्या आएगा, -2। फिर आप y के जगह पे 0 लें, y के जगह पे 0 लेंगे तो x का वैल्यू क्या आएगा, -3। आप यहाँ पे देख सकते हैं आपके पास दो पॉइंट आ गया, एक पॉइंट है 0, -2 और एक पॉइंट है -3, 0। तो यहाँ पे अगर आपके पास दो पॉइंट आ गया, एक 0, -2 आ गया और एक -3, 0 आ गया, तो किसी भी स्ट्रेट लाइन का ग्राफ प्लॉट करने के लिए,
किसी भी स्ट्रेट लाइन का ग्राफ प्लॉट करने के लिए आपको मिनिमम दो पॉइंट चाहिए। अगर आपके पास दो पॉइंट है, अगर आपके पास दो पॉइंट है तो आप आराम से किसी भी स्ट्रेट लाइन का ग्राफ प्लॉट कर सकते हैं। आपके पास यहाँ पे दो पॉइंट आ चुका है, एक 0, -2। आप जानते हैं कि एक्स 0 कहाँ पे होगा, वाई एक्सिस पे। आप जानते हैं कि वाई 0 कहाँ पे होगा, एक्स एक्सिस पे। तो आप देखें यहाँ पे आपके पास 0, -2 है, तो ये पॉइंट आपका 0, -2 नीचे होगा। क्यों नीचे होगा? क्योंकि एक्स तो 0 और वाई नेगेटिव। फिर आपके पास यहाँ पे दूसरा पॉइंट है -3, 0। यहाँ पे आप देख सकते हैं x का कोऑर्डिनेट क्या है, माइनस, और y का कोऑर्डिनेट क्या है, 0। तो ये -3, 0 यहाँ पे होगा। आप खुद देखें, आपको दो पॉइंट मिला, तो दो पॉइंट को हम मिला दिए तो हमको क्या मिल गया, एक स्ट्रेट लाइन। तो लीनियर इक्वेशन का ग्राफ हमेशा एक स्ट्रेट लाइन होगा। इसमें आप देख सकते हैं इस इक्वेशन में x और y दोनों इन्वॉल्व है, x और y दोनों इन्वॉल्व है, इसलिए इसका ग्राफ एक इंक्लाइंड ग्राफ होगा। इंक्लाइंड ग्राफ का मतलब हो गया कि ये जो ग्राफ होगा वो ना x के पैरेलल होगा ना y के पैरेलल होगा। ध्यान दे, स्ट्रेट लाइन में तीन तरह का ग्राफ हो सकता है, लीनियर इक्वेशन में तीन तरह का ग्राफ हो सकता है, एक ग्राफ x के पैरेलल, एक ग्राफ y के पैरेलल और एक ग्राफ इंक्लाइंड। इंक्लाइंड कब होगा? जब x और y दोनों होगा इन्वॉल्व। जब x और y दोनों इन्वॉल्व होगा तो इंक्लाइंड होगा। फिर आप देख सकते हैं दूसरा एग्जाम्पल, अगर मानिए मेरे पास है x = 5, ये y एक्सिस, ये x एक्सिस, मेरे पास है x = 5। आप खुद देखें x = 5 है, हम इसको क्या लिख सकते हैं, x + 0y = 5 लिख सकते हैं। तो ये x + 0y = 5, यहाँ पे आप y के जगह पे कुछ भी पुट करें, अगर हम y के जगह पे 0 रखते हैं तो x का वैल्यू क्या होगा, 5। अगर हम y के जगह पे 1 रखते हैं तो भी x का वैल्यू क्या आएगा, 5। अगर हम यहाँ पे y के जगह पे 2 रखें तो भी x का वैल्यू क्या आएगा, 5। तो आप गौर करें आपके पास पॉइंट क्या आ रहा है, एक 5, 0 आ रहा है। 5, 0 आपका कहाँ पे पड़ेगा, ये पॉइंट 5, 0 हुआ। फिर दूसरा पॉइंट क्या आएगा, 5, 1। 5, 1 आप खुद देखें कहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा। फिर आपके पास तीसरा पॉइंट क्या आएगा, 5, 2, वो यहाँ पे आएगा। इन सबको मिला दिए तो हमको एक स्ट्रेट लाइन मिला। आप यहाँ पे देख सकते हैं आपका जो स्ट्रेट लाइन आया वो कैसा आया, वाई एक्सिस के पैरेलल आया, और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या आया, 5। तो अगर x = 5, ये ग्राफ किसका हो गया, x = 5 का। आप यहाँ पे खुद देख सकते हैं यहाँ पे y मिसिंग है, y अगर मिसिंग होगा तो जो ग्राफ होगा वो y एक्सिस के पैरेलल होगा, और एट ए डिस्टेंस यहाँ पे क्या है, 5। तो एट ए डिस्टेंस ऑफ 5 होगा, यहाँ पे क्या, प्लस, तो पॉजिटिव साइड की तरफ होगा। अगर x = -7 हो, x = -7, आप यहाँ पे देख सकते हैं y मिसिंग है, y मिसिंग है तो ये ग्राफ किधर होगा, मतलब y मिसिंग है तो ये ग्राफ किसके पैरेलल होगा, y के पैरेलल। माइनस है तो किधर होगा, राइट साइड या लेफ्ट साइड, लेफ्ट साइड। क्या है यहाँ पे, 7, तो कितने डिस्टेंस पे होगा, 7 डिस्टेंस पे होगा। तो ये आपका y एक्सिस, ये आपका x एक्सिस, तो ये हो गया आपका x = -7 का ग्राफ, और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस हो गया 7। ये लेफ्ट साइड हुआ, लेफ्ट साइड क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ पे आपके पास क्या था, 7, और ये x और ये y। तो अगर x और y दोनों है, अगर x और y दोनों है इक्वेशन में तो इंक्लाइंड, अगर y मिसिंग है तो y के पैरेलल, ठीक वैसे ही अगर x मिसिंग होगा तो किसके पैरेलल होगा, x के पैरेलल। जैसे अगर मानिए है आपके पास x = 6, आप खुद देखें इसमें कौन मिसिंग है, x मिसिंग है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 0x + y = 6। यहां पे अगर हम x के जगह पे 0 रखें, y का वैल्यू 6। अगर हम यहाँ पे x के यहाँ पे 1 रखें, y का वैल्यू 6। अगर हम यहाँ पे x के यहाँ पे 2 रखें, y का वैल्यू 6। आप खुद देखें यहाँ पे आपके पास पॉइंट क्या क्या आ रहा है, एक 0, 6 आ रहा है, एक 1, 6 आ रहा है, एक 2, 6 आ रहा है। 0, 6 ये पॉइंट, 0, 6, 1, 6 ये पॉइंट, 1, 6, 2, 6 ये पॉइंट, 2, 6। तो आप गौर करें, इसको हम
ज्वाइन कर दिए तो यहाँ पे ये लाइन किसके पैरेलल हो गया, एक्स एक्सिस के पैरेलल। क्यों एक्स एक्सिस के पैरेलल हुआ? क्योंकि यहाँ पे वाई मिसिंग था। तो लीनियर इक्वेशन का जब भी आपको ग्राफ प्लॉट करना हो तो उसमें तीन टाइप का ग्राफ होता है, या तो इंक्लाइंड होगा, या तो एक्स के पैरेलल होगा, या तो वाई के पैरेलल। पहचान कैसे करेंगे? अगर एक्स मिसिंग है तो एक्स के पैरेलल, वाई मिसिंग है तो वाई के पैरेलल। अगर एक्स और वाई दोनों मौजूद है, एक्स और वाई दोनों मौजूद है, जैसे एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू सिक्स, आप देख सकते हैं यहाँ पे एक्स और वाई दोनों मौजूद है, तो ये जो ग्राफ होगा ये ग्राफ आपका कैसा होगा? इंक्लाइंड ग्राफ होगा। तो यहाँ पे पॉइंट नंबर वन हुआ कि अगर आपके पास लीनियर इक्वेशन होगा तो ग्राफ स्ट्रेट लाइन होगा, अगर आपके पास लीनियर इक्वेशन होगा तो ग्राफ स्ट्रेट लाइन होगा। तो सवाल ये उठता है कि अगर लीनियर इक्वेशन नहीं है, सम अदर फंक्शन है, तो ग्राफ कैसा होगा? तो अगर लीनियर इक्वेशन नहीं है, लीनियर इक्वेशन के अलावा कोई भी फंक्शन हो, याद रखे लीनियर इक्वेशन के अलावा कोई भी फंक्शन हो, कभी भी ग्राफ स्ट्रेट लाइन नहीं होगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें वाई इज इक्वल टू साइन एक्स की, तो y इज इक्वल टू साइन एक्स, ये आपका लीनियर इक्वेशन नहीं है, ये आपका ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन है। y इज इक्वल टू हम बात करें e का पावर x का, ये आपका एक्सपोनेंशियल इक्वेशन है। y इज इक्वल टू 2 का पावर x, ये आपका एक्सपोनेंशियल इक्वेशन है। उसी तरह से y इज इक्वल टू log बेस 2x, ये आपका लॉगरिथमिक इक्वेशन है। y इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 3, ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। या y इज इक्वल टू x क्यूब प्लस 5x प्लस 6, ये आपका कैसा इक्वेशन है? क्यूबिक। लीनियर इक्वेशन का ग्राफ केवल स्ट्रेट लाइन होगा। यहां पे कोई भी लीनियर इक्वेशन नहीं है तो इनमें से किसी का भी ग्राफ स्ट्रेट लाइन नहीं होगा। तो ये पॉइंट आप याद रखेंगे, इन सब का जो ग्राफ है वो सब का ग्राफ आपका कर्व होगा, कभी स्ट्रेट लाइन नहीं होगा। मतलब यहां पे पहला पॉइंट क्या था कि लीनियर इक्वेशन का ग्राफ हमेशा स्ट्रेट लाइन होगा, और अगर लीनियर इक्वेशन नहीं है, अगर लीनियर इक्वेशन नहीं है तो ग्राफ कभी भी स्ट्रेट लाइन नहीं होगा। अब हम आते हैं पॉइंट नंबर टू। पॉइंट नंबर टू क्या है कि जैसे अगर हम कोई इक्वेशन कंसीडर करते हैं, जैसे y इज इक्वल टू 2x, एक हम कंसीडर करते हैं y इज इक्वल टू 2x प्लस 3, हम एक कंसीडर किए y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, और एक हम कंसीडर करते हैं y इज इक्वल टू 2x स्क्वायर, और एक कंसीडर करते हैं y इज इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस 4। अब आप यहां पे देखें, ये एक लीनियर इक्वेशन, ये एक लीनियर इक्वेशन, तो इन दोनों का ग्राफ स्ट्रेट लाइन होगा, ये कंफर्म, क्योंकि अभी हम डिस्कस किए और इनफैक्ट अभी हम प्लॉट करके भी आपको दिखाएं। यहां पे गौर करें, ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो इनमें से किसी का भी ग्राफ स्ट्रेट लाइन नहीं होगा। तो यहां पे मेन आपको क्या देखना है, ये जो इक्वेशन है, ये जो लीनियर इक्वेशन है, ये आपका कांस्टेंट से फ्री है। कांस्टेंट से फ्री होने का मतलब हो गया कि इसमें कोई भी टर्म ऐसा मौजूद नहीं है जो पूरी तरह से एक्स और वाई से इंडिपेंडेंट हो। ध्यान दें, कांस्टेंट से फ्री होने का मतलब होता है कि कोई भी ऐसा टर्म नहीं है जो पूरी तरह से एक्स और वाई से इंडिपेंडेंट हो। इस इक्वेशन में एक कांस्टेंट टर्म है 3, क्यों? क्योंकि अगर आप इस 3 को देखें तो इस 3 में ना एक्स है ना वाई, लेकिन यहां पे ऐसा कोई भी टर्म नहीं है। यहां पे जो भी टर्म है या तो उसमें एक्स है या तो इसमें वाई है। यहां पे देख सकते हैं वाई, यहां पे देख सकते हैं एक्स, इसमें भी वाई है, इसमें भी एक्स है, बट इसमें ना एक्स है ना वाई। इसमें आप देख सकते हैं या तो y है या तो x है, या तो y है या तो x, बट ये एक ऐसा टर्म है जिसमें ना x है ना y। तो अगर आपका इक्वेशन कांस्टेंट से फ्री होगा, अगर आपका इक्वेशन कांस्टेंट से फ्री होगा, चाहे वो कोई भी कर्व हो, स्ट्रेट लाइन हो या कर्व हो, कोई भी इक्वेशन हो, लीनियर इक्वेशन हो, क्वाड्रेटिक हो, ट्रिग्नोमेट्रिक हो, एक्सपोनेंशियल हो, कोई भी कर्व हो, याद रखे वो हमेशा ओरिजिन से पास करेगा।
अगर आपका इक्वेशन, अगर आपका इक्वेशन इंडिपेंडेंट, अगर आपका इक्वेशन में कोई कांस्टेंट टर्म नहीं हो, अगर आपके इक्वेशन में कोई कांस्टेंट टर्म नहीं है, तो उसका ग्राफ हमेशा ओरिजिन से पास करेगा। अगर हम इसका ग्राफ प्लॉट करें तो इसका ग्राफ होगा कुछ ऐसा। आप देख सकते हैं ये किससे पास कर रहा, ओरिजिन से। लेकिन जब आप इसका ग्राफ प्लॉट करेंगे तो आप देखेंगे कि ये ओरिजिन से पास नहीं कर रहा। ये गौर करें, ये एक पैराबोलिक इक्वेशन है। आप पढ़ चुके हैं इस पैराबोलिक इक्वेशन के बारे में क्लास 11th में। इसको हम इस तरीके से देख सकते हैं, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay। अगर हम इसका ग्राफ प्लॉट करें, आप खुद देख सकते हैं इसमें कोई कांस्टेंट नहीं है, तो ये किससे पास करेगा, ओरिजिन से। इसका ग्राफ प्लॉट करें तो भी ओरिजिन से पास करेगा, लेकिन जब हम इसका ग्राफ प्लॉट करेंगे तो ये ओरिजिन से पास नहीं करेगा। तो पहला पॉइंट था कि लीनियर इक्वेशन का ग्राफ हमेशा स्ट्रेट लाइन होगा, और अगर लीनियर इक्वेशन नहीं है तो ग्राफ कभी भी स्ट्रेट लाइन नहीं होगा। दूसरा पॉइंट है कि अगर इक्वेशन आपका कांस्टेंट से फ्री है, अगर इक्वेशन आपका कांस्टेंट से फ्री है तो वो हमेशा ओरिजिन से पास करेगा, और अगर उसमें कांस्टेंट मौजूद है तो वो कभी भी ओरिजिन से पास नहीं करेगा, चाहे वो कोई भी इक्वेशन हो। हम आप लोगों से दो पॉइंट डिस्कस किए। पहले पॉइंट में अगर लीनियर इक्वेशन है तो ग्राफ स्ट्रेट लाइन, अगर लीनियर इक्वेशन नहीं है तो ग्राफ कभी भी स्ट्रेट लाइन नहीं होगा। दूसरा पॉइंट, अगर इक्वेशन कांस्टेंट से फ्री है तो वो ओरिजिन से पास करेगा, और अगर उसमें कांस्टेंट मौजूद हो, चाहे वो किसी भी टाइप का इक्वेशन हो, वो कभी भी ओरिजिन से पास नहीं करेगा। तीसरा पॉइंट है, आप गौर करें, आप वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, आप ये पैराबोला में पढ़ चुके हैं। अगर हम इसके ग्राफ को देखें तो इसका ग्राफ कुछ इस टाइप का होता था। अगर हम देखें एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay, तो ये ग्राफ आपका कुछ इस टाइप का बनता था। अगर हम देखें एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, ये एक सर्कल है, तो इसका ग्राफ कुछ इस टाइप का बनता था। अब आप यहां पे गौर कर सकते हैं और देख सकते हैं, यहां पे गौर करें, वाई पे इवन पावर है, तो वाई पे अगर इवन पावर हो, केवल वाई पे अगर इवन पावर हो, तो ग्राफ आपका एक्स एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक होगा। सिमेट्रिक कहने का मतलब हो गया कि जैसा एक्स एक्सिस के ऊपर होगा ठीक वैसा ही नीचे होगा। लेकिन ये तभी पॉसिबल हो जब वाई का जो भी टर्म हो सब पे पावर इवन होना चाहिए। अगर वाई पे ऑड पावर आ गया, अगर वाई पे ऑड पावर आ गया तो वो कभी भी एक्स एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक नहीं होगा। जैसे अगर आपके पास हो वाई स्क्वायर वाई का पावर 4 प्लस 6x प्लस 7 इक्वल टू 0, आप यहां पे देख सकते हैं वाई का दो टर्म है, एक वाई स्क्वायर का टर्म है, एक वाई का पावर 4 का टर्म है, लेकिन दोनों ही पे वाई पे इवन पावर है, तो दोनों पे वाई पे इवन पावर है। तो जब आप इसका ग्राफ प्लॉट करेंगे तो आप देखेंगे कि इसका ग्राफ जो हो गया वो एक्स एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक होगा। लेकिन अगर आपके पास ऐसा रहे वाई प्लस वाई स्क्वायर प्लस 6x प्लस 7 इक्वल टू 0, यहां पे आप देखें वाई पे इवन पावर तो है बट वाई पे ऑड पावर भी है, यहां पे वाई का ऑड पावर भी है, तो इसका ग्राफ कभी भी एक्स एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक नहीं होगा। अगर वाई पे केवल इवन पावर हो, वाई पे केवल इवन पावर हो, तो ग्राफ एक्स एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक। यहां पे आप देख सकते हैं एक्स पे इवन पावर है, एक्स पे इवन पावर, तो ग्राफ किसके अबाउट सिमेट्रिक, वाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक। सिमेट्रिक का मतलब आपको क्लियर होना चाहिए। सिमेट्रिक का मतलब होता है अगर वाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक है, अगर वाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक है मतलब कि वाई के राइट जैसा ग्राफ होगा वैसा लेफ्ट होगा। अगर एक्स एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक है मतलब जैसा एक्स एक्सिस के ऊपर होगा वैसा ही एक्स एक्सिस के नीचे होगा। आप यहां पे देख सकते हैं एक्स और वाई दोनों पे इवन पावर है, एक्स और वाई दोनों पे इवन पावर है, तो इसका ग्राफ ये होता है। तो ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों के अबाउट सिमेट्रिक, जैसा वाई एक्सिस के राइट साइड वैसा ही वाई एक्सिस के लेफ्ट साइड, जैसा एक्स एक्सिस के ऊपर वैसा ही एक्स एक्सिस के नीचे। तो यहां पे आपका तीन पॉइंट हो गया। तीसरा पॉइंट क्या है कि अगर एक्स पे इवन पावर केवल तो वाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक, अगर वाई पे इवन पावर केवल तो एक्स एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक, और अगर
एक्स और वाई दोनों पे इवन पावर है तो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों के अबाउट सिमेट्रिक होगा। तो ये था आपका ग्राफ का 3 पॉइंट जो कि आप देखेंगे और अच्छे से इसका यूज़ भी आप करेंगे आगे, ठीक है। तो यहाँ पे ये 3 पॉइंट को आप अच्छे से समझें। ग्राफ का 3 बेसिक कंसेप्ट जो कि आपको दिमाग में रखना है। अब हम यहां पे शुरू करने जा रहे हैं ग्राफ। गौर करें, आपको मेनली 8 या 9 ग्राफ पढ़ना है जो कि अभी हम थोड़ी देर पहले बोले थे। अगर ये 8 या 9 ग्राफ आपका क्लियर है, ट्रांसफॉर्मेशन क्लियर है, तो आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। इस 8 और 9 ग्राफ का नाम हम देते हैं बेसिक ग्राफ। उस बेसिक ग्राफ के बेसिस पे ही हम सारे ग्राफ को प्लॉट करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहला ग्राफ कहे या फंक्शन कहे वो है वाई इक्वल टू एक्स, या फिर आप कह सकते हैं कि एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स। ध्यान दें, कैलकुलस में वाई कहिए या एफ एक्स कहिए, बात एक ही है। वाई या एफ एक्स, एफ एक्स जो है वो वाई को रिप्रेजेंट करता है, एफ एक्स का मतलब ही आपका वाई है। अब यहां पे y इक्वल टू x या एफ एक्स इक्वल टू x, इसका नाम, इसको हम कहते हैं आइडेंटिटी फंक्शन। आइडेंटिटी फंक्शन, ध्यान दे, याद रखे, इसका नाम क्या है? आइडेंटिटी फंक्शन। आप गौर करें, y इक्वल टू x, y इक्वल टू x आपका एक लीनियर इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन का ग्राफ आपका एक स्ट्रेट लाइन होगा। यहां पे आप देख सकते हैं कि इस इक्वेशन में एक भी कांस्टेंट टर्म मौजूद नहीं है। तो अगर कोई भी कांस्टेंट टर्म मौजूद नहीं है तो ये ग्राफ किससे पास करेगा? ओरिजिन से पास करेगा। और आप जानते हैं y इक्वल टू x, इसका ग्राफ अगर प्लॉट करना हो तो x के जगह पे 1 तो y 1, x के जगह पे 2 तो y 2, x के जगह पे 3 तो y आपका क्या आ गया? 3। यह आपका y एक्सिस, यह आपका x एक्सिस। हम अगर यहां पे x के जगह पे 0 ले तो y भी यहां पे क्या आएगा? 0। तो ये 0.0, ये 1.1, ये 2.2, ये 3.3, इन सब को मिला दिए तो हमको एक स्ट्रेट लाइन मिल गया। एक क्या मिल गया? स्ट्रेट लाइन। तो ये था आपका ग्राफ नंबर 1। 9 ग्राफ पढ़ना है जिसमें पहला ग्राफ आपका ये है कि y इक्वल टू x का ग्राफ आपका ऐसा होगा जो कि आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट और थर्ड क्वाड्रेंट से पास करे में पास करेगा, ओरिजिन से पास करेगा, और इन दोनों के बीच का एंगल जो होगा वो 45 होगा, और ये एंगल भी आपका क्या होगा? 45। इस ग्राफ को, y इक्वल टू x को, हम कहते हैं आइडेंटिटी फंक्शन। फिर एक होता है ग्राफ नंबर 2, y इक्वल टू माइनस एक्स। y इक्वल टू माइनस एक्स को हम एंटी आइडेंटिटी फंक्शन कहते हैं। इसको आप लिख लेंगे, y इक्वल टू माइनस एक्स को हम क्या कहते हैं? एंटी आइडेंटिटी फंक्शन। एंटी आइडेंटिटी फंक्शन, एंटी आइडेंटिटी फंक्शन हम किसको कहते हैं? y इज इक्वल टू माइनस एक्स को। तो y इक्वल टू माइनस एक्स, ये भी आपका एक क्या है? लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन है तो ग्राफ कैसा होगा? स्ट्रेट लाइन। आप देख सकते हैं ये किससे पास करेगा? ओरिजिन से। क्यों ओरिजिन से पास करेगा? क्योंकि यहां पे भी ये कांस्टेंट से क्या है? इंडिपेंडेंट। तो अगर हम यहां पे x के जगह पे 0 रखे, y का वैल्यू 0। अगर हम x के जगह पे 1 रखे, y का वैल्यू -1। अगर हम x के जगह पे 2 रखे, y का वैल्यू -2। अगर हम x के यहां पे 3 रखेंगे, y का वैल्यू क्या आएगा? -3। आप देख सकते हैं यहां पे, तो ये y एक्सिस, ये x एक्सिस। यहां पे क्या है? 0.0, तो ये 0.0 हो गया। यहां पे आप देख सकते हैं 1.-1, 1.-1। आप खुद देखें 1.-1 कहां पे होगा? इस जगह पे होगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा 1.-1। फिर आप देखें 2.-2 यहां पे होगा, फिर 3.-3 ये होगा। इन सब को मिला दिए तो हमको ये ग्राफ किसका मिल गया? वाई इज इक्वल टू माइनस एक्स का ग्राफ। तो ये आपका ग्राफ हो गया वाई इक्वल टू माइनस एक्स का। तो यहां पे हम 2 फंक्शन डिस्कस कर चुके हैं, एक आइडेंटिटी फंक्शन और एक एंटी आइडेंटिटी फंक्शन। याद रखेंगे वाई और एफ एक्स एक ही चीज होता है। लीनियर इक्वेशन का ग्राफ हमेशा स्ट्रेट लाइन होगा। लीनियर इक्वेशन अगर नहीं है तो स्ट्रेट लाइन कभी नहीं
नहीं होगा। अगर इक्वेशन कांस्टेंट से फ्री है तो ओरिजिन से पास करेगा, कांस्टेंट है तो कभी भी ओरिजिन से पास नहीं करेगा। एक्स पे केवल इवन पावर है तो वाई के अबाउट सिमेट्रिक, वाई पे अगर इवन पावर है तो एक्स के अबाउट सिमेट्रिक। सिमेट्रिक का मतलब होता है इमेज ऑब्जेक्ट। वाई के अबाउट सिमेट्रिक मतलब वाई के राइट जैसा ग्राफ वैसा लेफ्ट, एक्स के अबाउट सिमेट्रिक मतलब एक्स के ऊपर जैसा ग्राफ वैसा ही नीचे। तो ये था आपका दो फंक्शन और बेसिक कंसेप्ट। नेक्स्ट वीडियो जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। इंपॉर्टेंट इसलिए होने वाला है क्योंकि आप कैलकुलस में जो जो चीज पढ़ते हैं, डिफरेंशियल कैलकुलस में आप जो जो चीज पढ़ते हैं सब हम नेक्स्ट वीडियो में क्लियर कर देंगे। जैसे आप डिफरेंशियल कैलकुलस में कंटिन्यूटी पढ़ेंगे, आप देख सकते हैं बुक पलट के, आर डी शर्मा या कोई भी बुक, कंटिन्यूटी है, डिफरेंशिएबिलिटी है, मैक्सिमा मिनिमा है, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग है, डोमेन है, रेंज है, मैपिंग, मैपिंग भी आपको हम बता चुके हैं। तो 6 से 7 टॉपिक आप कल नेक्स्ट वाले वीडियो में देख सकते हैं। मतलब नेक्स्ट वीडियो में हम एक बार में 6 से 7 टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। तो नेक्स्ट वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होगा। ये वीडियो को आप अच्छे से समझें, ये बेसिक था, एकदम बेसिक से हम भर रहे हैं, 9-10 से हम भर रहे हैं कि आपको कोई कन्फ्यूज़न नहीं हो। थैंक यू वेरी मच। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा तो मेरे वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।